सभी महिला समूह को मेरा जोहार जोहार जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सुबह से ही यहां पर जमे हुए हैं, आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और मंच पर भी उपस्थित हमारे गणमान्य अतिथिगण हैं, मंत्रीगण हैं, विधायकगण हैं, विभाग के पदाधिकारी हैं, इनका भी हार्दिक अभिनंदन है। अभी हम बोकारो जिले के एक भव्य कार्यक्रम करके यहां आए हैं। हमको लगा कि मैं बहुत विलंब हूं, अब तो यहां खाली मैदान मिलेगा, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में महिला अभी भी हमारे लिए यहां पर इंतजार में है, इसके लिए मैं पुनः आपका आभार प्रकट करता हूं। आज विशेष रूप से पेयजल विभाग के हमारी जल सहैया दीदी यहां पर मौजूद है, और ना जाने मुझे राज्य के विभिन्न जगहों पर आप लोगों ने अपने और अपने विभाग के द्वारा किस तरीके से आपकी समस्याएं दिन ब दिन बढ़ रही थी, इसके बारे में कभी आवेदन के माध्यम से, कभी ढेर सारी महिलाओं के हुजूम के माध्यम से मुझ तक आप लोगों ने संदेश पहुंचाया था, और मैं लगातार कुछ ना कुछ काम में लगा ही हूं। आप लोग देख रहे हैं गांव देहात, बूढ़ा बुजुर्ग, हमारे घर के बच्चे बच्चियां, सभी के लिए कुछ ना कुछ हम लोग कार्य योजना के साथ इस राज्य के समग्र विकास की एक लंबी लकीर खींचने के प्रयास में है। सरकार के अभिन्न अंग के रूप में हमारे गांव से जुड़ी महिलाएं, गांव से जुड़े नौजवान, गांव से जुड़े किसान विभिन्न माध्यमों से जुड़े हुए होते हैं। कहीं आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के रूप में, कहीं पोषण सखी के रूप में, और तरह तरह के संवर के रूप में वो लोग सरकार के हाथ कान नाक बने हुए हैं। आज बहुत सारे सरकार की योजनाएं आप लोगों के माध्यम से ही गांव गांव तक पहुंचता है, घर घर तक पहुंचता है। उन्हीं में से आप सभी जलसहैया हैं, और याद कीजिए आप सभी जलसहैयाओं का जो नियुक्ति हुआ था, वो नियुक्ति कौन किया था? वो नियुक्ति हम ही ने किया था जब हम इस विभाग के मंत्री हुआ करते थे। इस विभाग के जब हम मंत्री थे उस समय नगर विकास विभाग के माध्यम से बहुत सारी महिलाएं जुड़ी, फिर राजनीतिक आंधी तूफान चला, हम लोग सत्ता से बाहर हो गए। पता नहीं 5-6 वर्षों में आप लोगों के साथ डबल इंजन की सरकार, व्यापारियों की सरकारों ने क्या आपको मदद दिया नहीं दिया, ये हमको नहीं पता। लेकिन हम ये बात जरूर जानते हैं कि यह सरकार एक संवेदनशील सरकार है। यह सरकार विशुद्ध रूप से हमारे इस राज्य के झारखंड के मूलवासी आदिवासियों की सरकार है।
हमने हमेशा ये कहा कि हमारी सरकार रांची हेडक्वार्टर से नहीं गांव से चलने वाली सरकार है, तो हर गांव की आवाज हमारे कानों तक आती है। और आज विभाग के द्वारा आपकी फरियाद को पूरा करने का यह दिन चुना गया है। बहुत सारी अपेक्षाएं आप लोगों की थी, निश्चित रूप से कई अपेक्षाओं को आज पूरा करने में सरकार सफल हुई है। और आज आपको फिर से एक ताकतवर फौज, ताकतवर विभाग का कड़ी बनाने के प्रयास में फिर से आपको हम लोग खड़ा करने का हमारा ये उद्देश्य है, क्योंकि आज गांव-गांव तक, जन-जन तक स्वच्छ पानी पहुंचाना एक बहुत बड़ा चुनौती है। आज आपको मालूम होना चाहिए कि अगर किसी भी व्यक्ति में कोई बीमारी होती है तो उसका 70% का जिम्मेदार पानी होता है। अगर स्वच्छ पानी मिलेगा तो आदमी भी अस्वस्थ नहीं होगा, गांव देहात के लोग अस्वस्थ नहीं होंगे। जो हमारे पूर्वज जिस तरीके से मजबूत हुआ करते थे, वैसे ही मजबूत हमारा गांव होगा। लेकिन आजकल हम देखते हैं गांव गांव में कई सारी बीमारियों का मकड़जाल फैल रहा है। हल्का हल्का बुखार होता है, सर्दी खांसी होता नहीं है कि लोगों की जाने चले जाती है। लेकिन वहीं देखिए कई ऐसे गांव में लोग भी हैं जहां 100 साल के ऊपर पार कर गया, और उस समय का आदमी जब गांव देहात में बिजली नहीं, सड़क नहीं, चापाकल नहीं, उसके बावजूद इतना मजबूत लोग हुआ करते थे। अब तो सड़क भी चला गया, बिजली भी चला गया, चापाकल भी आ गया, कुआं भी खुद रहा है, तरह तरह का चीज उपाय हो गया, फिर भी आज अस्वस्थ लोग हो रहे हैं। कहीं ना कहीं आज ये बहुत बड़ी चुनौती हम लोगों के सामने है कि घर घर, गांव गांव तक स्वच्छ पानी उपलब्ध कराएं। इसके लिए विभागीय स्तर पर कई सारे कार्य योजना तैयार की गई है। कहीं पर टैंकी लग रहा है, कहीं बोरिंग हो रहा है, कहीं पाइपलाइन बिछ रहा है, तरह तरह के काम हो रहे हैं। लेकिन कई जगहों पर हमें यह शिकायत मिलती है कि ठेकेदार सब बड़ी गड़बड़ी करता है और चोरी करता है और हल्का फुल्का काम करके भाग जाता है। अभी दो दिन भी पानी चलता नहीं है, पानी बंद हो जाता है। इसी की रक्षा के लिए, उसी का चौकीदारी करने के लिए अब जल सैया को इसका जिम्मा मिलेगा और यह काम मजबूती से आपके हाथ में रहेगा। आप जो ठेकेदार से भी सब गड़बड़ी करेगा उसके खिलाफ आप शिकायत दर्ज कराइए, तुरंत उस पर हम लोग कार्रवाई करने का काम करेंगे। क्योंकि ये सारे काम आपके लिए है, आपके घर द्वार, आपके गांव के लिए है, आपके परिवारों के लिए है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आज आप सभी लोग इस काम में मजबूती के साथ सरकार के साथ कदम में कदम मिलाएं। और विशेषकर महिला समूह को जोड़ा गया है और महिला सशक्तिकरण का भी हमारा संकल्प है। अलग अलग माध्यमों से हम लोग महिला समूहों को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए, स्वावलंबी बनाने के लिए कार्य योजना बना रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि राज अलग हुए 20 साल हो चुके, अभी तो 24 साल चल रहा है। ये 19 साल डबल इंजन की सरकार, बीजेपी की सरकार, ये लोग पूरे 19-20 सालों में महिला समूह के बीच में मात्र 600-700 करोड़ रुपए बांटा था। स्वरोजगार के लिए
लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि विगत 4 सालों के अंदर पूरे राज्य में हमारी जो महिला समूह है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाती है, उन महिलाओं के बीच में इन 4 साल के अंदर 12,000 करोड़ रुपया हमने वितरण किया है। और आज पता चल रहा है कि कोई राशन दुकान खोल रहा है, कोई सीमेंट का दुकान खोल रहा है, बहुत तरह तरह के काम में लगे हैं। ये निश्चित रूप से हमारा ये मानना है कि गांव मजबूत होगा तभी राज मजबूत हो सकता है, और राज मजबूत होगा तभी देश मजबूत हो सकता है। बहुत सारे लोग आज देश को मजबूत करने की बात करते हैं, लेकिन पता चला गांव का हालत इतना बद से बदतर है तो देश मजबूत कैसे हो सकता है। आज के दिन में भी इस देश में 80 करोड़ लोग सरकार के अनाज पर जिंदा है और विकसित भारत के भजन कीर्तन करते रहते हैं। गरीब गुरु वालों को ठगने का काम, आज देखिए महंगाई आसमान छू रहा है, दाल चावल आटा नमक बाल बच्चों का पढ़ाई का किताब कॉपी कलम सब महंगा, महंगाई रुकने का नाम नहीं ले रहा। जब हम लोग सरकार में थे, दिल्ली के केंद्र सरकार में, तो उसमें गैस सिलेंडर 400 टका मिलता था, आज 1,000-1,200 के ऊपर पार है। जो नमक 2-3 रुपया किलो मिलता है, आज 50-100 रुपये के बराबर हो गया। सरसों का तेल वही हाल, साग सब्जियों का वही हाल, पेट्रोल डीजल का वही हाल, और ये पैसा गरीब गुरुआ में नहीं बटता है। आज देश के बताइए, केंद्र सरकार ने तो कोई मदद नहीं किया आपको, आज पूरी की पूरी जिम्मेवारी आप लोगों की राज्य सरकार ने उठाई है, और आपसे भी हम अपेक्षा रखते हैं, उम्मीद रखते हैं कि आप भी केंद्र सरकार के साथ कदम से कदम मिलाएंगे। इसलिए बातें बहुत है, आप लोगों को वापस भी जाना है, तो हम इन्हीं संक्षिप्त बातों के साथ, क्योंकि योजना के बारे में गिनाना शुरू करूंगा तो एकदम लंबा समय लग जाएगा। आप ही लोगों से एक समर्थन चाहते हैं जोर से, क्या सरकार बढ़िया काम कर रही है? आवाज दीजिए जोर से, आप लोग खुश हैं? चलिए आप लोग का आशीर्वाद रहेगा। चलिए इन्हीं बातों के साथ आप सब लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, जोहार।